जय हिंद साथियों। जितने सारे हमारे भाई बहन वीडियो देख रहे हैं, आखिरकार बिहार पुलिस का एग्जाम कब होगा? आपके मन में तरह तरह के प्रश्न चल रहे होंगे कि अभी तक कोई ऑफिशियल नोटिस नहीं आया। जैसा कि मैं आप सभी को एक बार पुनः ये बताना चाहता हूं अपने इस चैनल के माध्यम से, आपका जो एग्जाम होगा वो दिसंबर में ही होगा। तो साहब, दिसंबर में कुछ डेट आए थे, आखिरकार कौन कौन से डेट में और कितना तारीख तक उसके पहले एग्जाम नहीं हो सकता है? तो वो डेट सबसे पहले जो जितना डेट आया था वो चीज आपको अभी दिखाने के हम एक बार पुनः कोशिश कर रहे हैं। उसमें डेट था 2/12/2023। इसमें देख रहे हैं दो डेट है, फिर से जो अगला डेट था इसमें 9/10/12/2023। अगला जो डेट है 16 तारीख को है, 16/12/2023 आप देख रहे होंगे। 16 के बाद से 17 तारीख, ये 16 तारीख को शनिवार है, 17 को बिहार दरोगा पीटी का एग्जाम है यानी प्रारंभिक परीक्षा का। उसके बाद 23/12/2023, उसके बाद 30/12/2023, उसके बाद एक डेट लास्ट था जिसमें कि 6/7/2024 यानी अगले साल जनवरी में, यही टोटल डेट आया था। यहाँ पर डबल है, यहाँ भी डबल है और फिर ये लास्ट में डबल है। जैसा कि पहले जो ये नोटिस आया था उसमें बताया गया था कि जो भी एग्जाम बिहार पुलिस का कंडक्ट बोर्ड करवाएगी इन्हीं डेटों में से कुछ डेटों में करवाएगी और साथ ही साथ सेंटर मुहैया कराने के लिए हर जिला में डीएम को पत्र लिखा गया था और ये बोला गया था कि एक पाली में एग्जाम होगा। जैसा कि मैं आप सभी को बताना चाहता हूं कि जो शुरुआती का जो डेट है आप देख रहे होंगे 2/3/3 फिर ये 16 तारीख, अभी तक जो आप भी जानते हैं कि कोई डिपार्टमेंटल सूचना या अभी भी आर्मी कार्ड नहीं आया है, क्या कल परसों में आएगा तो 2-3 तारीख को एग्जाम हो जाएगा? तो नहीं हो सकता है, क्योंकि इतना भी कम समय आर्मी कार्ड में नहीं होता है, क्योंकि कुछ दिन का टाइम पहले आर्मी कार्ड आता है तभी जाके एग्जाम हो पाएगा। तो ये लगभग कैंसिल है आपका, क्योंकि फिर ये जो डेट है 9/10 आप देख रहे होंगे कि महीना भी खत्म है, तो मान लीजिए कि 10-12 दिन पहले आर्मी कार्ड, उससे कम से कम तो 15 दिन अप्रोक्स होता है आर्मी कार्ड जारी होता है, तो ये भी आपका कैंसिल रहेगा। और एक बात और है कि एक आध एग्जाम और भी चल रहे हैं हमारे बिहार में, उस चीज को भी देखना है बोर्ड को। फिर 16/12/2023, फिर 16/12/2023 को शनिवार है और फिर 17 तारीख को ऑलरेडी दरोगा का एग्जाम है, उसका 1 तारीख से आर्मी कार्ड डाउनलोड होगा। तो हालांकि उसमें 17 तारीख का तो मेंशन नहीं किया हुआ है, हालांकि ये 16/12/2023 को है, लेकिन इसके बाद का जो डेट देख रहे हैं अभी तक कहीं ना कहीं बोर्ड विलंब किया है। और कहीं ना कहीं हम आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बार बार बता रहे हैं कि आपका एग्जाम दिसंबर माह में शुरू हो जाएगा, तो ये कंफर्म मानिए कि आपका एग्जाम दिसंबर में ही होगा। तो साथियों, आप अपनी तैयारी को जोर शोर से करते रहेंगे और पूरी आपको बातें समझा दी मैंने और आप देखेंगे कि आपका एग्जाम दिसंबर माह में ही शुरू हो जाएगा, लेना शुरू हो जाएगा। अब देखिए बोर्ड क्या क्या कर सकता है चेंज, बोर्ड ये भी चेंज कर सकता है कि जहां बोला था कि इतने सारे डेट कि हम एक पाली में लेंगे, हो सकता है कि बोर्ड फिर से एक दिन 2 पाली में एग्जाम ले लेगा, फिर एक दिन 2 पाली में ले लेगा और इसमें से भी किसी एक दिन 2 पालियों में एग्जाम लेके खत्म कर सकता है। ऐसा कुछ नहीं कि नहीं एक के पाली में एग्जाम लेगा। अब रहा बात सेंटर का कि अभी इसकी कोई सूचना नहीं है कि सेंटर ऐसा कुछ अफवाह चल रही थी, कुछ बातें चल रही थी लड़कों की ओर से सुनने में मिल रहा था
वो कमेंट करते थे, कॉल करते थे, पूछते थे कि सर कहीं लड़कियों का सेंटर होम सेंटर रहेगा, लड़कों का सेंटर चेंज होने वाला है क्या? तो अभी इसकी कोई सूचना हमारे पास नहीं है। यदि आगे ऐसी कोई सूचना आती है कि लड़कों का सेंटर चेंज होने वाला है, यानी अदर डिस्ट्रिक्ट में देगा, लड़कियों का होम सेंटर रहने वाला है, तो ये जानकारी दी जाएगी, लेकिन ऐसी अभी कोई सूचना नहीं है। लेकिन इतनी जरूर सूचना है, मैं आप सभी को बताना चाहूंगा कि एग्जाम आप सभी का, फिर से एक बार बता रहा हूं और बार बार बता रहा हूं कि आपका एग्जाम दिसंबर माह में ही होगा। यानी हमारे चैनल के माध्यम से जो जानकारी दी जा रही है उसी पे, जो शुरू से दे रहे हैं उसी पे हम अडिग हैं, और एग्जाम दिसंबर में हो के ही रहेगा, क्योंकि इसके बाद आगे बहुत प्रॉब्लम होने वाला है, फिर ये एग्जाम विलंब हो जाएगा। इसके बाद फिर देखेंगे कि एग्जाम लगातार मैट्रिक इंटर का एग्जाम है, तो फिर जनवरी फरवरी, तो फिर एक लंबा भर्ती, इसके बाद भी भर्तियां आनी है बिहार पुलिस में, तो ERSS की भी आने वाली, तो भर्तियां लगातार है, तो कहीं ना कहीं बहुत दिक्कत होने वाली है। तो इसलिए बोर्ड चाहेगा कि जल्दी से इसको इसका डिटेल लेकर तुरंत फिजिकल करवा जाए। फिजिकल में कम वक्त मिलेगा, इसलिए आपको बैलेंस करना होगा, क्योंकि बेल्ट की यदि आप नौकरी करना चाहते हैं तो रिटेन के साथ साथ फिजिकली वर्कआउट यानी फिजिकली फिट भी रहना होगा, क्योंकि फाइनली मेरिट आपका फिजिकल पे ही बनेगा। चलिए, ढेरों सारी शुभकामनाएं, बधाई है, जय हिंद, वंदे मातरम।